बिखरे हुए बाग उजड़े हुए मोहब्बत जो मेरा सहारा है, लम्हे ये कैसे, ख्वाब ये कैसे, ख्यालों में कोई जिंदगी, खामोशी ये कैसे, तन्हाई ये कैसे, ऐ दिल लेकिन क्या मैगी, मैंने तुमसे जरा अपनापन जता दिया, तुम तो सर पर चलने लगी। तुमने मुझे फोन करने के लिए सोचा भी कैसे? माँ मुझे शक्ति दे, मुझे तेरी आरती करनी है। या अल्लाह, या मेरे मौला, या मेरे मालिक, मेरी बच्ची मुश्किल में है, तुम हाफिज बनकर उसकी हिफाजत कर। तेरा ही बॉस है ना, जिसके ऑफिस में तूने सिमरन को बुलाया था? जी हाँ, वो आदमी वही है। मुझे जाने दो। अल्लाह, ये सिमरन अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा, उसकी हिफाजत करना। मैं क्या करूं, कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैगी के बॉस के पास जाऊं? नहीं, वहां जाके कोई फायदा नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ताकि उस आदमी को पकड़े और उसकी असलियत सामने लाए और मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। या अल्लाह, सिमरन, सिमरन, सिमरन मेरी बच्ची, तू कहाँ रह गई थी? तेरी फिक्र में मेरी जान निकली जा रही थी। अम्मी, अम्मी वो मुझे तबाह कर देगा, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। क्या? हाँ अम्मी, उसे पता चल गया कि मैं यहाँ रह रही हूँ, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह। हाँ अम्मी, माता की कृपा से मैं फिर से एक बार बच गई, लेकिन अम्मी अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं मेरा बच्चा, तू घबरा मत, जब तक तेरी अम्मी जिंदा है वो तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तू तू आ मेरे साथ, आ जा।
हेलो मैगी, कहाँ हो तुम? मैं सनी के घर आई थी सिमरन का पता लगाने, पर सिमरन तो यहाँ है ही नहीं। तो सनी ने क्या कहा? सनी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। उससे मिलने की जरूरत नहीं, सिमरन घर पहुँच जाएगी। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमरन तुम्हारे कब्जे में है, राइट? कब्जे में है नहीं, थी, लेकिन अब वो निकल चुकी है। अब वो कहाँ है इस बारे में तुम मुझे बताओगी। By the way, क्या मैं एक बात जान सकती हूँ विकी, ये सारा मामला क्या है? तुम्हें पता है ना मैगी, मुझे सवाल उठाने वाले लोग पसंद नहीं। तुम्हें अपनी जबान से नहीं कहना है तो मत कहो, पर ये मत समझना कि मैगी को कुछ मालूम नहीं। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि सिमरन वही लड़की है जिससे तुमने महाबलेश्वर में अपने पैसे के दम पे शादी की थी, राइट? अच्छा है, तुम पहले ही सब कुछ जान चुकी हो। अब तुम्हें मेरे लिए सिमरन का पता लगाना होगा, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ओके, पर इनाम वही होगा जो मैं चाहूंगी, मंजूर? ओके डन। ठीक है, मैं घर जाती हूँ, अगर सिमरन घर पे आए तो मैं इमीडिएटली तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। ओके गुड। विकी डाले, सिमरन की वजह से ही सही, आप देखना कि तुम्हें ये मैगी कैसे नचाती। रामेश्वरी जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे अम्मी जी, आप कैसे आना हुआ? एक जरूरी काम आ गया था, इसीलिए चली आई तुमसे मिलने। आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। इसमें तकल्लुफ कैसे? मैं तुम्हारे यहाँ चाय नाश्ता जब करूंगी जब तुम अपने घर में बहू ले आओगी। अब वो सब छोड़ो, जिस मकसद से मैं आई हूँ वो सुनो। कहिए। हो सकता है एक दो दिनों में मुझे लखनऊ जाना पड़े। मैगी ने तो अपना इंतजाम कर लिया है, लेकिन ये बेचारी बिल्कुल अकेली है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास छोड़ दूं। इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, पूरा घर खाली पड़ा है। तुम्हारे साथ रहेगी तो यहाँ के रहन सहन भी सीख लेगी। सर सिमरन, तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं, ये घर बिल्कुल तुम्हारे अम्मी के घर के जैसा है, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। जी जी अम्मी। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी, इसकी सुरक्षा के बारे में आप बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे लखनऊ जाने का प्रोग्राम कैंसिल होता है ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। अब मुझे इजाजत दो, चलती, खुदा हाफिज़। जी अम्मी। जीती रहे, कोई बात की फिक्र नहीं करना, तू इस घर में महफूज है, चलती। नमस्ते। नमस्ते। आ बेटा अंदर चलते हैं। जी। वो कमरा खाली है। हेलो। हाँ रामेश्वरी जी नमस्कार, मैं एडवोकेट आलोक भंडारी बोल रहा हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ जा बेटा, जाकर आराम करो। कहिए। वो कांचा विलेज वाला केस मेरे पास है। इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ही अपना घर बना पाता है। कांचा विलेज के लोग अपनी जान दे सकते हैं पर अपना घर नहीं। मुझे पता है रमेश, लेकिन हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मैं ये चाहता था कि हम एक मीटिंग कर लें, आप, विक्रम और मैं। मैं उसे मिल चुकी हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि विक्रम से मिलने के बाद भी कोई नतीजा निकल सकता है। रामेश्वरी जी, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है,
बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप विक्रम को लेकर कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन इस मामले में मैं विक्रम से बात करने उसके ऑफिस नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं विक्रम को लेकर आपके घर आता हूं ना, ठीक है? बाय। मुझे विक्रम और रामेश्वरी देवी में समझौता कराना ही होगा। विक्रम को अब तुम ही समझा सकती हो बेटा, शायद तुम्हारे कहने से मान जाए। उसको तो बात करने की फुर्सत ही नहीं है। लो, आ गया विक्रम। हाय बुआ। हाय दादाजी। हाय बेटा। हाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। बुआ, क्या करूं? बिजनेस की जिम्मेदारियां, भाग दौड़, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। वही तो, इंसान जिंदगी की दौड़ में इस कदर दौड़ना चाहता है कि वक्त पीछे छूट जाए, लेकिन वक्त कभी पीछे नहीं छूटता और ना ही वो ठहरता है। वो तो अपनी गति से चलता ही रहता है। ये बात और है कि वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होता। मैं समझा नहीं बुआ। तुम समझना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कुछ बातें वक्त के गुजरने के बाद अच्छी नहीं लगती। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? यही कि हर बात का एक वक्त होता है। शादी विवाह की एक उम्र होती है। आखिर कब करोगे तुम शादी? इस घर का सूनापन तो तभी दूर होगा जब तुम शादी करोगे। और अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी 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 शादी, मैं ये सुनकर तंग आ गया हूं। ऐसा लगता है शादी के बगैर मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ये कोई तरीका है बात करने का? और फिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? बुआ, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब कहने के लिए आपको दादाजी ने उकसाया है। लेकिन तुम इस तरह नाराज क्यों होते हैं? आप चुप रहिए बुआ जी। दादाजी, एक बात समझ लीजिए, ना मैं कुछ सुनूंगा ना कुछ समझूंगा। मैं शादी तभी करूंगा जब मैं चाहूंगा, समझ गए आप? अम्मी, सिमरन का कुछ पता चला? अम्मी, सिमरन का कुछ पता चला? और सनी, वो भी तो दिखाई नहीं दिया बहुत दिनों से। सिमरन के बारे में परेशान होना छोड़ दे। इसका मतलब सिमरन मिल गई? हाँ। कहाँ है सिमरन? मैंने कह दिया ना, उसकी फिक्र छोड़ दे। समझ में नहीं आ रहा तुझे? हाँ अम्मी, पर
पर आप ये क्या कह रही हैं? जो मैं कह रही हूँ वो सही है। यहाँ हम उसके लिए परेशान हो रहे और वो अचानक गांव चली गई। क्या? वो अपने गांव चली गई? अरे तू उसके लिए क्यों इतना परेशान हो रही है? कौन सी सगी लगती है वो हमारी? चली गई? हाँ, आप ठीक ही कह रही हैं। अच्छा एक बात बता मैगी। जी? तेरे बॉस ने कुछ सिमरन के बारे में पूछा था? उसने जबरदस्ती सिमरन से शादी तो कर ली, लेकिन शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होता, जज्बातों का रिश्ता होता है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, पर मेरे बॉस से इस बारे में कोई बात नहीं होती। वैसे भी मुझे कहाँ मालूम था? तुझे कैसे पता होगा? बहरहाल सिमरन यहाँ से चली गई, अब हम लोग उसकी फिक्र छोड़ दें। उसके माँ बाप हैं, वही सोचेंगे उसके बारे में। तू यहाँ क्यों बैठी है? जा जाके आराम कर ले। जी अम्मी। कॉलेज का लास्ट ईयर है, अब मैं देखती हूँ तुम क्या करते हो, फिर मैं कहाँ और तुम कहाँ। हाँ बोलो मैगी, कुछ पता लगा उसका? हाँ विकी, पता तो लगा है। कहाँ है वो? वो अपने गांव जा चुकी है विकी। इनफैक्ट मैंने अम्मी से पूछा था, उन्होंने ही मुझे बताया कि वो गांव जा चुकी है। तुम्हारा मतलब है महाबलेश्वर? हाँ महाबलेश्वर। नहीं वो महाबलेश्वर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे पता है कि वो वहां पहुंचकर मुझसे बच नहीं सकती। आई नो, पर अम्मी ने तो मुझे यही बताया है कि वो महाबलेश्वर ही गई है, और वैसे भी उसके पास जाने के लिए और कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है। एक बार तुम महाबलेश्वर पता तो लगा के देखो, हो सकता है वो वही हो। ठीक है मैं पता करता हूँ। ठीक है। हेलो सुजीत। सुजीत वो लड़की मेरे हाथ से निकल गई है। हाँ हाँ मुझे पता लगा कि वो महाबलेश्वर गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे फौरन महाबलेश्वर के लिए निकलना पड़ेगा और ये पता लगाना होगा कि वो महाबलेश्वर में कहाँ है। गॉट इट? मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट सुरेश।